दूसरा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की पूरे आलम में दावत देना है, हर एक को दावत देना है, हर जगह दावत देना है, हर हाल में दावत देना है, हर वक्त दावत देना है, दावत का माहौल बनाना है, अपने को, पराए को, दूर वाले को, करीब वाले को, बड़ों को, छोटों को, अमीर को, गरीब को, शहरी को, देहाती देहात के रहने वाले को, हर एक को ला इलाहा इल्लल्लाह समझाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देनी है। दावत अपनी ज़ात के लिए हो, दूसरे के मधु के नफ़े के लिए नहीं हो, अपनी ज़ात के नफ़े के लिए हो। दावत अपनी ज़ात के लिए देंगे तो अपनी ज़ात को फ़ायदा होगा, दूसरे की ज़ात के लिए दावत देंगे तो अपना नुकसान होगा। दावत का माहौल बनाना है, हर एक को मस्जिद के बाहर वालों को दावत देनी है, मस्जिद के अंदर वालों को दावत देनी है, घर वालों को दावत देनी है, दुकानदार को दावत देनी है, बाज़ार में जा रहे वहाँ भी दावत देनी है, हर जगह दावत का माहौल बनाना है। दूसरा है गौर फिक्र, अमली मश करना, यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर गौर फिक्र करना, आसमान पर गौर फिक्र करना, ज़मीन पर गौर फिक्र करना, पहाड़ पर गौर फिक्र करना, दुनिया की तमाम चीज़ों पर गौर फिक्र करना कि ये तमाम चीज़ें पहले नहीं थी, अल्लाह ने अपनी कुदरत से, अपनी हिकमत से इन चीज़ों को पैदा किया है, अल्लाह इसको एक दिन फना कर देगा, ख़त्म कर देगा। कि अल्लाह ने बग़ैर किसी सुतून के और बग़ैर किसी खम्भे के और बग़ैर किसी रस्सी के इस आसमान को अपनी कुदरत से, ताकत से थामे रखा है। ज़मीन के ऊपर गौर फिक्र करना है, ज़मीन अल्लाह की मखलूक है, कि अल्लाह ने इस चौड़ी चकली ज़मीन को, इतनी बड़ी ज़मीन को पानी के ऊपर बिछा रखा है। पहाड़ के ऊपर गौर फिक्र करना है कि अल्लाह ने इस पहाड़ को ज़मीन के ऊपर गाड़ रखा है। अल्लाह पाक ने फरमाया।